ठीक है, चैप्टर 15। तो ज्योमेट्री बॉक्स तुम लोग अपना अपना साथ में लेके बैठे हो ही ऑलरेडी। ठीक है, पहला टॉपिक डालो यहाँ पे, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन और रे की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वो डिफरेंसेस तुम लोगों को पता है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो लाइन सेगमेंट मींस विच इज हैज स्ट्रेट डेफिनेट लाइन लेंथ और एंड इट हैज फिक्स फिक्स लेंथ। एंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट इट इज अ बोथ एंड्स फिक्स्ड, और अगर दोनों एंड फिक्स हैं इसका मतलब कि हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी लेंथ होगी दोनों के बीच में, दोनों एंड के बीच में। तो यहां पे हो जाएगा इट हैज डेफिनेट लेंथ। ठीक है ना। सडन ठीक है। तो यहाँ पे दो मेथड है हमारे पास। पहला मेथड लिखना बाय यूजिंग, कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम लाइन सेगमेंट बाय यूजिंग स्केल या फिर रूलर। और दूसरा, ये पहला मेथड है, और दूसरा मेथड है बाय यूजिंग कंपास। डिवाइडर। डिवाइडर कैसे यूज करोगे? बाई यूजिंग स्केल। तो यहाँ पे मेथड स्केल से लिख, नोट्स बनाने के नाम पे लिख लो इसे, बाकी स्केल से, स्केल यूज करना सभी को आता है। पुट वन एंड, सॉरी, पुट जीरो मार्क, जीरो ऑफ स्केल ऑन वन एंड ऑफ लाइन एंड मार्क डिजायर्ड लेंथ। ठीक है ना। ये भी पॉसिबल है कि जीरो की जगह अगर तुम वन मार्क पे पहला एंड रखोगे तो वो आगे शिफ्ट हो जाएगा उतना, ठीक है ना। वन मार्क से आगे शिफ्ट हो जाएगा। थ्री पे रखते हो जीरो की जगह, वन की जगह, तो थ्री से आगे शिफ्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? यस सर। बाय यूजिंग कंपास में क्या हो जाएगा? कंपास में तो ये करेंगे हम कि सर वापस ब्लर हो गया। क्या ब्लर हो गया? वो तो क्लियर है बिल्कुल। ओपन कंपास ऑफ डिजायर्ड लेंथ यूजिंग स्केल, और फिर ऐसा करने के बाद क्या करोगे? क्योंकि कंपास में दो ही पार्ट होने वाले हैं, निडल और पेंसिल। तो पुट निडल ऑन वन मार्क ऑन वन एंड एंड कट आर्क विथ पेंसिल। इसका क्या मतलब था? आर्क का मतलब किसे समझ? आर्क कौन पहली बार सुन रहा है? ए आर सी। आर्क कौन पहली बार ही सुन रहा है? आर्क की बात करते हैं इसके बाद, पहले से कॉपी कर लो। सर हो गया। नो सर। सर डन। सभी का
यस सर, यस सर। डन, ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप लोग। सर नहीं हुआ था। डन, सर डन, ठीक है। तो YouTube पे चैनल है VSI पे, तो वीडियो ही नहीं आ रही। यस सर, रिकॉर्डिंग कर, नोट बना कर लिखना। आर इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, और माइनर आर्क और मेजर आर्क की हम लोग बात कर चुके हैं वैसे सर्कल चैप्टर में, ठीक है। तो अगर ये सर्कल हमारे पास है तो इसका आर्क अगर तुम लोग कट करोगे तो ये हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसमें से ये आर्क निकाल दिया एक, तो ठीक है सर। वो तो कितने भी निकल सकते हैं आर्क, मान लो कि सेमी सर्कल चाहिए, सेमी सर्कल भी निकल जाएगा, सेमी सर्कल। तो ये ब्रा करना, सेमी सर्कल भी एक तरह का आर्क ही होता है वैसे। यस सर, ठीक है ना, सही ब्रा करना है। हाँ जी, सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें एक सेंटर और रेडियस चाहिए होती है, तो आर्क ड्रॉ करने के लिए भी इसका मतलब हमें एक पॉइंट चाहिए होगा। सेंटर का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट ही तो होता है सेंटर, तो मतलब कि हमें एक पॉइंट दे रखा होगा, उस पॉइंट पे हम लोग निडल रखेंगे और फिर आर्क कट करेंगे। अब ये आर्क का मतलब क्या है, अगर आर्क को कंप्लीट कर दोगे तो सर्कल बन जाएगा। तो आर्क बनाना और सर्कल बनाना के पीछे प्रोसेस एक ही है, ठीक है ना, एक ही मेथड है। एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए, रेडियस मतलब डिस्टेंस चाहिए जहां पे जाकर के वो आर्क कट होने वाला है। अगर आर्क को पूरा कंप्लीट कर दोगे तो वो सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल और कुछ नहीं, आर्क का छोटा भाई है, या फिर आर्क कुछ नहीं सर्कल का छोटा भाई है, तो आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। ओके, सर हो गया, सर डन, सर डन। तो अगर आर्क हो गया है तो यहाँ पे लिखो टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट इक्वल टू ए गिवन लाइन सेगमेंट, नहीं ये तो हो जाएगा। लाइन सेगमेंट के अंदर एक टॉपिक डालना और लिखना to draw a line segment equal to sum of two line segments. मतलब कि एक लाइन सेगमेंट हमें बनानी है जिसके दोनों एंड पॉइंट होने चाहिए, और फिर इक्वल टू सम ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स, मतलब कि दो अलग अलग लाइन सेगमेंट दे रखा है। मान लो कि ये पहली लाइन सेगमेंट है और इसकी दूसरी लाइन सेगमेंट ये है, और वो हमसे कह रहा है कि इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो एक लाइन सेगमेंट बननी चाहिए जिसकी लेंथ ऑब्वियसली इन दोनों के सम के बराबर आनी चाहिए। अगर ये लेंथ ए अगर है और वो बी है तो ये ए प्लस बी होगा, ये मत बनाना अभी, सिर्फ टॉपिक का नाम डालोगे, है ना। थैंक यू, मैं क्या
नहीं ये ड्रॉ नहीं करना है। अरे ये लिखना तो है ना। हाँ टॉपिक तो लिखना है, इसको ड्रॉ अगर करना भी चाहते हो तो अच्छे से करेंगे। ऐसे करो कि मान लो कि ये दे रखा है ए बी और हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। मान लो कि इसी पॉइंट पे रख, इसी पॉइंट से आगे की तरफ आगे निकलना है तो वो सी तक जाएगा और फाइनली जाकर के वो ए सी बन जाएगा। इक्वल बन रहा है क्या? इक्वल नहीं बन रहा है, इसको छोटा छोटा कर ले थोड़ा। तो इन दोनों की लेंथ के बराबर हो जाएगा कुछ इतना। सर ये ड्रॉ करना है? हाँ ये करना है। और अगर ये ए यूनिट्स है, अगर ए यूनिट्स और ये बी यूनिट्स है ठीक है, ए प्लस बी यूनिट्स। तो पहला स्टेप है इसमें, पहला स्टेप नहीं, हमें दे रखा है गिवन टू सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स, टू सेगमेंट्स ए बी एंड बी सी ऑफ ए यूनिट्स एंड बी यूनिट्स। तो अब हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट है हमारा ओपन कंपास। ये कंपास ओपन करने का मतलब होता है हम स्केल से मेजर, स्केल पे मेजर करेंगे कितना ओपन करना है। कंपास ओपन कंपास विथ ए यूनिट्स एंड ड्रॉ ए बी, ए बी ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। नहीं ए बी तो दे रखा है, चलो ठीक है ए बी फिर से ड्रॉ कर लेंगे। ओपन कंपास विद ए यूनिट्स एंड ड्रॉ ए बी, सेकंड पॉइंट है हमारा। ओपन कंपास विद बी यूनिट्स एंड पुट मिडल ऑन बी एंड मार्क सी, बस इतना ही करना है। एसी मिल जाएगा, ए बी ऑलरेडी था, बी के आगे सी भी मिल जाएगा तो एसी पता चल जाएगा हमें। और एसी किसके बराबर है? सर डन, ए प्लस बी के बराबर है। अभी इसका एग्जांपल लिखेंगे। तो कि टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होता है तो रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना, रिकॉर्डिंग देख के एग्जांपल बुक के सॉल्व कर लोगे, एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे तो फायदे में रहोगे ठीक है ना। सर प्लीज वेट, प्लीज वेट, सर डन हो गया, सर डन, यस सर डन, यस सर डन, यस सर डन। सभी का? Yes, sir. अब तो होना भी चाहिए था। ओ यस सर। ठीक है एग्जांपल लिखो। गिवन ए बी इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, या 6 भी तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा तुम्हारी कॉपी में, तुम लोग 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करना। गिवन ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, draw AC is equal to AB plus BC, ये हमें करना है तो ठीक है। सबसे पहले आप लोग कंपास का यूज करोगे ना, स्केल से स्केल का यूज करके तो बना ही सकते हैं, क्योंकि AB कितना है 3, BC दे रखा है 2, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, तो 5 बनाना आसान है स्केल की मदद से। लेकिन आप लोग क्या करोगे, कंपास को रखोगे सबसे पहले और एक लाइन खींच दो। लाइन का मतलब इसके कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है, इसीलिए एरो बना दिए यहाँ पे।
तो यहाँ पे रखना ए, मार्क कर दो ए रैंडमली कुछ भी, और उसके बाद में निडल को यहाँ रखना। पहले यहाँ सुन लो ध्यान से सभी, ए पे निडल रखना और कट करना आर्क कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, कर देना। अब निडल को रखना बी पे और स्केल की मदद से ओपन कर लेना कंपास को 2 सेंटीमीटर जितना, और आर्क कट कर देना सी, तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर पूरा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ए सी मिल गया इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब उसने 2 पार्ट करके दिए हमें अगर एसी के लिए, तो हमने कर दिए। 3 में देगा तब भी तो हो सकता है, आगे एक और आर्क खींच देंगे। 4 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, आगे तक पॉसिबल है। ठीक है, नहीं आएगा समझ सर? आ गया सर, आ गया। ठीक है, मान लो इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये दिया जाए कि ड्रॉ एसी इज इक्वल टू एसी भी क्यों, चलो ठीक है नया एग्जांपल लिखते हैं, ये हो गया तो चलते हैं आगे। एग्जाम्पल लिखिए, ड्रॉ ए बी इफ ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि एसी दे रखा है। अब एसी कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और बी बीच में कहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि बी सी दे रखा है 2 सेंटीमीटर। नहीं नहीं हाँ, इसमें क्वेश्चन में ये भी लिख लेना कि ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, ये भी लिख लेना और फिर सॉल्यूशन लिखेंगे हम। अब कंप्लीट एग्जांपल, तो ठीक है लाइन दे रखी है, लाइन यहाँ बना लेंगे हम, ए मार्क कर देना और ए सी कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, फिर उसने बी सी दे रखा है। अब हमें क्या पता चलेगा कि बी ए से इस तरफ है, सी के उस तरफ है, या दोनों के बीच में है, तो इसीलिए उसने ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी दे रखा है। मतलब ए बी कब मिलेगा तुम्हें, जब ए सी में से बी सी कुछ बाहर निकाल दो तो ए बी मिल जाएगा, तो बी को कहीं यहाँ ही होना पड़ेगा, और वो बी कहाँ होगा, आप लोग यहाँ रखो ए को, ए पे निडल रखो और सी पे आर्क कट कर दो, सी पे निडल रखो और बी पे आर्क कट कर दो। अब तुम लोग बोलोगे कि पिछली बार तो आपने आगे आर्क कट किया था, इस बार पीछे क्यों किया, क्योंकि इधर माइनस दे रखा है, यहाँ प्लस नहीं माइनस है, तो माइनस का मतलब पीछे की तरफ स्केल में आते हैं हम। समझ आया? यस सर, यस सर। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, तो ए ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना? यस सर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम एक्सरसाइज में भी है, तो अच्छे से कर लेना। तो ये लाइन सेगमेंटेड टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब हेडिंग डालना आप लोग, कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, हेडिंग डालिएगा। परपेंडिकुलर, अब इसका मतलब क्या होता है वो तुमको पता नहीं या पता है? सर पता है, लाइंस का तो आइडिया होगा, क्योंकि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर 90 डिग्री पे पर इंटरसेक्ट करती है तो परपेंडिकुलर होता है, ऐसा हमने चैप्टर 11 में देख लिया था, है ना? यस सर।
तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब बाइसेक्टर पहली बार सुन रहे हो तुम लोग, तो लिखो यहाँ पे बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्टर इज अ लाइन विच डिवाइड्स एनी अदर लाइन, और लाइन को या फिर किसी एनी एंगल, किसी दूसरे एंगल को, एनी अदर एंगल इनटू टू इक्वल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इसका मतलब ये होता है। ये तो लिख लेना जरूर से, बाइसेक्टर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बाइसेक्टर वाला पॉइंट। सर डन सर प्लीज, मतलब कि अब ये इसके बाद बनाने की जरूरत नहीं है, इसे समझ लो। अगर कह रहे हैं कि किसी एक लाइन को या किसी लाइन सेगमेंट लिख लेना है यहाँ पे, लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन की जो डेफिनेट लेंथ होती नहीं है तो क्या डिवाइड करेगा वो, एनी अदर लाइन सेगमेंट। लेकिन बाइसेक्टर खुद एक लाइन होती है, उसकी भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। मान लो कि कोई लाइन सेगमेंट है इतनी, इसे बाइसेक्ट करने का मतलब ही होता है इसके मिड पॉइंट से ये पास हो रहा है, जरूरी है क्या वो इस तरफ ही झुका हुआ होगा, क्या पता ये भी हो सकता है, क्या पता स्ट्रेट अगर हो जाए वो। और जब वो स्ट्रेट हो जाएगी बाइसेक्टर, मतलब कि 90 डिग्री बना रही होगी उस लाइन सेगमेंट को जिसको खुद डिवाइड कर रही है, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। तो बाइसेक्टर तो बहुत सारे नहीं करना है तो बाइसेक्टर तो बहुत सारे पॉसिबल है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉसिबल है जो 90 डिग्री पे गिर रहा होगा। ओके सर। भाई किसी लाइन के दो टुकड़े करने हैं, लाइन सेगमेंट के दो टुकड़े करने हैं, मतलब कि यहाँ से ब्रेक करना है उसको, तो ब्रेक करने के लिए जरूरी तलवार ऐसी चलाओगे या नाइफ ऐसे चलाओगे? ऐसे भी तो चला सकते हो, ऐसे भी तो चला सकते हो, हाँ या ना? लेकिन परपेंडिकुलर चलाओगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, बस एक ही, हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस सर। तो लिखना देयर आर इनफाइनाइट बाइसेक्टर्स पॉसिबल, बट ओनली वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर bisectors possible but only one perpendicular bisector, ठीक है? और ऐसे ही आगे जा रहे हैं, इस टॉपिक में आएगा वैसे वो, वहाँ डिस्कस कर लेंगे। कोई एंगल अगर हमारे पास है, उस एंगल को भी तो हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कहाँ से? उसी वर्टेक्स से जाना पड़ेगा बाइसेक्टर को, और उसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे। अगर वो पूरा ए था तो ये ए बाई टू, ए बाई टू हो जाएगा। इसकी बात करेंगे आगे, अभी लाइन समझ लो बस। चले आगे। यस सर। ठीक है, बनाओगे कैसे ये देख लेते हैं। अब एरो बना के देख लो, इसी टॉपिक में पहला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बस इतना, मतलब कि एक लाइन सेगमेंट दे रखी होगी, ठीक है, और लाइन सेगमेंट दे रखी होगी इस तरह ए बी, लिख लेना गिवन लाइन सेगमेंट ए बी। तो आप लोग क्या करना, ओपन कंपास more than half of AB, open compass more than half of AB
एंड कट आर्क्स टेकिंग ए कॉमा बी एज सेंटर्स, मतलब कि निडल कहां रखोगे, सेंटर किसी चीज को ले रहे हो मतलब निडल कहां रखोगे, और फिर आर्क कट करोगे कहां पे, अबव एंड बिलो ए बी। समझ में अगर आ गया है तो मतलब क्या क्या कहना चाह रहा है वो, अप्रोक्सीमेटली अंदाजा लगा करके उसको ज्यादा आधे से ज्यादा उसको ओपन कर लेना कंपास को, और फिर यहाँ पे आर्क कट करना। ए पे रख के कट करोगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, बी पे रख के कट करोगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। भाई बी पे रख रहे हो अगर निडल को तो वो अंदर की तरफ ही तो आर्क बनाएगा ना। यस सर। अब ऊपर की तरफ बना दिया, नीचे भी बनाओ, बना देना, और फिर उसके बाद क्या करोगे, जॉइन बोथ पॉइंट्स, या वो भी छोड़ो। नेम्ड एज एक्स एंड वाई, मतलब कि ऊपर वाले को एक्स नाम दे देना, नीचे वाले को वाई नाम दे देना, और उसके बाद में जॉइन एक्स वाई, बस इतना ही काम करना था, एक्स को जॉइन कर देना वाई से, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये सबसे आसान है वैसे। ए पे रखोगे निडल, आर्क ऊपर कट करोगे, नीचे कट करोगे, बी पे रखोगे कट करोगे और फिर दोनों को मिला देना, ठीक है। सर एक मिनट, ठीक है क्या? इसको डन सर, सर डन क्या? Yes, sir, done. ठीक है। मिनट, सर वन मिनट। नहीं हुआ था। Sir, done. Sir, done. Sir, done. इसका सेकंड पार्ट है, परपेंडिकुलर इस अब बाइसेक्टर नहीं बनाने वाले, बस परपेंडिकुलर बनाना है एट एनी पॉइंट ऑनलाइन, ठीक है ना। एक एक करके देख लेना कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन से केस की बात कर रहा है वो, या कौन सा केस वहां पे एप्लीकेबल है। तो अगर लाइन दे रखी है, कोई लाइन सेगमेंट दे रखी है ए बी ए, और अगर मैंने पॉइंट दे रखा है मान लो आपको ये सी, तो देखने से पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे सी मिड पॉइंट नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब सी पे लेकिन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। गिवन ए बी लाइन सेगमेंट एंड सी ऑन ए बी, हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर सी के ऊपर, ठीक है ना। तो ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, ड्रॉ आर्क टेकिंग सी एज सेंटर, ठीक है। तो सी सेंटर दे रखा है, सी को सेंटर लेते हुए आर्क कट करो, इस तरीके से कुछ कर दोगे? यस सर। मार्क बोथ पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई, इस पॉइंट को एक्स नाम दे देना, इसे वाई नाम दे देना, कौन से पॉइंट्स को,
सर आर्क के दो पॉइंट्स को वेयर ए बी इज कट, जहां भी ए बी कट हुआ है एक्स और वाई, अब क्या करोगे? टेकिंग एक्स कॉमा वाई, एक बार एक्स फिर कॉमा एक बार वाई को भी एज सेंटर्स, कट आर्क्स, कट आर्क नॉट आर्क्स, कट आर्क अबव ए बी, बस उसके बाद क्या करना? जॉइन आर्क टू सी, वही हो जाएगा। कैसे करोगे ये काम? सी पे रखो निडल और आर्क कट करो, वाई पे रखो निडल आर्क कट करो, सी को मिला दो उस पॉइंट पॉइंट से, सर समझ नहीं आया, ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा। क्या समझ नहीं आया? प्रोसेस क्या बोलता है? सबसे पहले ए बी दे रखा होगा, कोई भी पॉइंट मार्क कर लो सी, सी उसके ऊपर, सी पे रखते हुए निडल को एक सेमी सर्कल खींच देना या फिर एक सेमी सर्कल से भी ज्यादा का आर्क खींच देना। वो आर्क खींचने के बाद में जो दो पॉइंट मिलेंगे एक्स और वाई जिस पे लाइन सेगमेंट ए बी को कट किया गया है वहां पे सेंटर रखते हुए आर्क कट करना, ऊपर उस आर्क को और सी को मिला देना, ये परपेंडिकुलर है। बोलो अभी भी नहीं आया? सब आ गया सबको? यस सर डन। ठीक है सर डन सर प्लीज।